हाईवे पर सरपट दौड़ती गाड़ियां तो आपने देखी होंगी, लेकिन हाईवे पर विमानों का लैंड करना और टेक ऑफ करना, हाईवे पर उड़ान, दुश्मन परेशान। जी हां, आज हाईवे पर लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर लैंड किया और इस क्षेत्र में एक नया आयाम लिखा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। देश के 28 हाईवे को इस तरह फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तैयार किया जा रहा है। सुखोई और जैगवार की गर्जना सुनकर यकीनन देश के दुश्मन दहल गए होंगे। ये देश के इतिहास का सबसे गौरवशाली दृश्य है। ये हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला लम्हा है। अब वो घड़ी आ गई है जब सुखोई थर्ड JMKI आपके सामने एक ब्लो ओवर शूट करेगा, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस एयरक्राफ्ट का स्वागत। ये भारतीय वायुसेना के दमखम की तस्वीर है। ये देश के हाईवे की सबसे जानदार तस्वीर है। जिस हाईवे पर आप हवा से बातें करते अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, उस हाईवे को आज भारतीय वायुसेना के सुखोई और जैगवार विमान ने चूम कर सबको अभिभूत कर दिया। राजस्थान के जालोर के चितलवाना में NH-925A पर वायुसेना ने नया इतिहास रचा है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार, और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र थे नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। इस राजमार्ग के ऊपर से गुजर रहे हैं ये, यहाँ पर जिस तरह से पहले सबसे पहले सुखोई हवाई क्षमता का प्रदर्शन किया है, और इस तरह से अब जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ करीब आधे घंटे का। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत बनी ये हवाई पट्टी देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है जिसे किसी हाईवे पर बनाया गया है। इस लम्हे को कैद करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। जिस तरह से हाल के दिनों में हमने चाहे दुश्मन के खिलाफ चुनौतियां देखी हों, चीन से पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त से लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना जूझ रही है, वायुसेना जूझ रही है, उसके अलावा पाकिस्तान सरहद पर लगातार चुनौती बन रही है, टू फ्रंट वॉर की लगातार बात करते हैं, दोनों ही सरहद पर सेनाओं की चुनौती लगातार बनी रहती है। ऐसे में सेनाओं की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हर हालात में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा जाए, चाहे दुश्मन के खिलाफ, दोनों ही दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद रखा जाए, और इसके साथ ही अगर किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा, अफगानिस्तान जैसी कोई आपदा हो, उससे भी निपटने की जो तैयारियां हैं उसको भी उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से
नेशनल हाईवे के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका इस्तेमाल दोहरा इस्तेमाल हो सके, लोग उसके लिए आवाजाही का लिए भी इस्तेमाल कर सके सड़क का इस्तेमाल, लेकिन अगर जरूरत पड़े सामरिक तौर पर उसका इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए भी ये हाईवे काम करें और इसीलिए ये हाईवे रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके, इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में देश को ये पहला नेशनल हाईवे मिला है। देश में ये पहली बार है जब किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है, यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। समारोह की शुरुआत C-130J सुपर हरक्यूलस विमान की लैंडिंग से हुई। इसी विमान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत गणमान्य लोग पहुंचे। इसके बाद जैगवार और सुखोई विमानों की लैंडिंग हुई। इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे, इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे जिसका 60-65% के काम पूरा हुआ है, और बड़ौदा के पास 4-लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गगरिया बाखसर गांधो की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। इसमें 3 किलोमीटर लंबी सड़क को आपातकालीन परिस्थिति में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में कुल 19 महीने का समय लगा है और कुल 33 करोड़ की लागत से ये रनवे तैयार किया गया है। पाकिस्तान और चीन के रूप में भारत दो दुश्मन देशों से घिरा है, ऐसे में जरूरी है पुख्ता तैयारी जिससे देश महफूज रहे। हाईवे पर रनवे का आगाज इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मंजीत नेगी, जालौर, आज तक। हाईवे को लड़ाकू विमानों के लिए रनवे की तरह तैयारी करना बहुत कठिन होता है और इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू भी हो गई थी। 2015 में पहली भारतीय वायुसेना का जो विमान था वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उसने टच डाउन किया था, वो पहली बार हुआ था। अब देश ने यह देखा कि हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ा संकेत दुश्मनों को जाता है और इसीलिए यह अब और राज्यों में भी तेजी से हो रहा है। यह तस्वीर 6 साल पुरानी है जब आगरा मथुरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने की थी लैंडिंग। ये तस्वीर भारतीय वायुसेना के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000 विमान किसी एक्सप्रेसवे पर उतरा था। विमान ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और बेहद सहज तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर उतरा था। इसके साथ ही वायुसेना में नए युग का सूत्रपात हुआ। पहली बार देश को ये पता चला कि आपात स्थिति में हाईवे को सेना के विमान के लिए रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अगले ही साल वायुसेना ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखाया। ये प्रयोग ज्यादा बड़ा था। पहली बार 6 फाइटर प्लेन ने हाईवे पर टच डाउन किया था। भारतीय वायुसेना के सरताज सुखोई और मिराज विमानों ने जैसे ही हाईवे पर टच डाउन किया, पूरा देश गर्व से भर उठा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। भारतीय वायुसेना ने इस प्रयोग का सिलसिला जारी रखा। अक्टूबर 2017 और जनवरी 2018 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों की मॉक लैंडिंग हुई। यहाँ C-130 हरक्यूलिस विमान उतरा और उससे गरुड़ कमांडो उतरे। इसके बाद 3 जैगवार विमानों ने टच डाउन किया, फिर 6 मिराज और 6 सुखोई विमानों का टच डाउन। पिछले 6 सालों की कामयाब कोशिशों के बाद ये नतीजा सामने आया है कि देश भर में फैले हाईवे के जाल को आपात स्थिति में रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे लेकर सरकार ने एक विस्तृत प्लान भी तैयार किया है। रणनीतिक महत्व के ठिकानों से सटे 28 हाईवे को इस मिशन के लिए चिन्हित किया गया, जहां आपात लैंडिंग का इंतजाम किया जा सके। आज तक के पास उन सभी 28 लोकेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी है जहां नेशनल हाईवे में ये बनाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऐसी 2 एयर स्ट्रिप्स आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी हैं, और पश्चिम बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में हाईवे पर एक एक और एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। अब जरा विस्तार से उन प्रमुख जगहों के बारे में जान लीजिए कि वहां एयरपोर्ट को रनवे बनाने का काम किस चरण में है। जम्मू कश्मीर बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास काम चल रहा है। जम्मू उधमपुर मार्ग में साइट विजिट होनी है। पंजाब संगरूर जिले में NH-71 पर दोगल दिरवा गांव के पास साइट विजिट होनी है। हरियाणा में सिरसा मार्ग में डबबली के पास टेंडर 1 माह के भीतर हो जाएगा। हिसार में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास टेंडर 1 माह में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के पास NH-24 में साइट विजिट होना है। इसके अलावा लखनऊ राय बरेली के बीच और अयोध्या के पास NH-27 में साइट विजिट होनी है। राजस्थान फलौदी जैसलमेर और बाड़मेर जैसलमेर मार्ग में स्पॉट फाइनल हो गया है, टेंडर होने वाला है। इसके साथ ही गंधो बकासर मार्ग में निर्माण कार्य चालू है। गुजरात राजकोट के दत्तराना के पास निर्माण का टेंडर हो गया है। पश्चिम बंगाल बालासुर खड़गपुर में काम चल रहा है, डिगना के पास साइट विजिट होनी है। बिहार इस्लामपुर किशनगंज के पास साइट विजिट होनी है। असम उड़ीसा खड़गपुर कंजावर मार्ग में साइट विजिट होनी है। आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1,135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2-लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। देख लो दुश्मन ध्यान से, हिंदुस्तान हर स्थिति के लिए तैयार है। किसी ने कोई हिमाकत की तो खैर नहीं। बाड़मेर से मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और इमरजेंसी में, आपातकाल में या युद्ध की स्थिति में किसी भी देश पर पलटवार करने के लिए ये जो रनवे होते हैं, जो हाईवे पर होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दुश्मन को उस समय ये नहीं पता चलता कि पलटवार कब और कहां से होगा। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी वायु शक्ति बढ़ा रही है। ये हाईवे जो रनवे बनते हैं वो उस वायु शक्ति को कई गुना और बढ़ा देते हैं।